हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है और मौसम बहुत ही गंभीर और खराब हो चुका है। हो चुका क्या है, है। चुका चुकी का बात ही नहीं कल भी सिचुएशन मतलब दोपहर में थोड़ा सा दिखा दिया। आज हम खुश थे, हमको नींद नहीं आ रहा था, लेकिन हम सोचे लड्डू का पापा कहाँ गया, उठा कहाँ गया, कहीं गया है का, ऐसे सोच रहे हम। सोचे बाथरूम गया, एक बार उठा था ही, उसके बाद भी हमको समझ में आया कि उठा था, गया है बाथरूम, उसके बाद फिर सो गया और फिर उठ गया जल्दी। और एडिटिंग कर रहा होगा तो हम सोचे, फिर देखे कि दीदी काम वाली आई है, फिर खोला, गाड़ी बाहर किया, आज मेरा सारा काम किया है। हम कल खाना बना रहे हैं और सब्जी बना, जानते हैं क्या चीज़ का, बंधा का गोभी, पत्ता गोभी का सब्जी, इतना बड़ा से ले आया है, 10 रुपये में तो मिल रहा था, कोई तो टेंशन है नहीं। बाजार में गाइस साग चलिए वो तो छोड़िए, हम बोले थे साग लाने, नहीं पहचानता भतुआ का साग, तो पालक साग बड़ा बड़ा उठा के आता है, छोटे छोटा है उसको नहीं लाएगा, वो यही सब किया। और कहाँ गया ए? और लड्डू का रील्स बन जाता है तो गुस्सा करता है। अरे थोड़ा सा आटा हम सान रहे हैं, आटा फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन बाबू को नहीं देते, अच्छा नहीं लगता हमको फ्रिज। कल का किस्सा नहीं बताएगी? कल का किस्सा बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी रोटी बनाएंगे ना। कल का किस्सा बताने के, कल हुआ क्या था हम ड्यूटी से बता देते। चलो बैठते हैं थोड़ा देर, तो रोटी बनाना है, तुम थोड़ा सा बहस कर लेते हैं यहीं पर, बता दो ना क्या दिक्कत है, हम बैठते सेट करते गड़बड़ा जाए। कल जो बुरा हाल की है बाबू का, छोड़ो, हम चाहते थे ये अपने जुबान पे क्या किए। हम ड्यूटी से आए, वो खाया था सुबह में चाय रोटी, हम दूध का था, चाय बना दिए गलती से, मेरा 2 डेक्ची में दूध रहता है, एक सेम डे का रहता है, एक नाइट का रहता है, तो नाइट वाला दूध को हम चाय बनाते हैं, लेकिन क्या हुआ था, हम दूध पी लिए थे, हमको पता नहीं ज़्यादा ही पी गए पीते, अब पी तो लिया। बाबू के लिए जब रोटी बनाने जा रहे हैं तो दूध देख रहे हैं गर्म करने के लिए, है ही नहीं, हमको याद भी नहीं है कि नहीं है, हम सोच रहे दूध तो होना चाहिए, अब याद आया कि हम ही पी गए, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हम चाय रोटी खिला दिए, दो यही आटा का पतला रोटी दो बनाए और खिला दिए, खा लिया बेचारा, डेढ़ रोटी आधा टुकड़ा फेंक दिए। हमको ड्यूटी जा रहा था, हम चले गए, दो सेव रखा था टेबल में, सो टेबल में रखा पड़ा रह गया, वो आए तो इसका पापा से पूछे क्या खाया बाबू, तो गुस्सा करता है, पूछना क्या गलत बात है, इसको लगता है क्यों पूछते हैं, उसका पापा है ठीक है, इसको लगता है हमने पूछे। अब हुआ क्या, बोला कि क्या खाया था ना, खिचड़ी खाया कल। अब सुबह उसको हम 8:30 बजे खिला करके जाते हैं, डेढ़ रोटी भी चाय के साथ, उसको कुछ नहीं ये गया, ठीक है रोटी है भी चीज़ें, अब ये खिलाया था खिचड़ी कुकर में ही बचा था, हम सोचा ना कि ये इतना ध्यान रहता, थोड़ा इतना खिलाया होगा ठीक है, वो भी ठीक, हम कुछ नहीं बोले। फिर इसको हम खिलाने लगे, बाबू कहा बेटा हम खाना खा रहे थे तो दिए, तो नहीं खाया बाप बेटा दोनों, नहीं खाया उधर ही अपना रील फील कौन सी करता नहीं जानता है, ये खाएगा इसको बता खाना अपना, ऐसे बोला था ठीक है अपना खाना, हमको भूख लग रहा है, अपना पेट देखे ना उसका, हम ये सब छोड़ दिए। अब देखे अब हो गया सब, इसको हम फिर शाम में घूमने जाने का टाइम हुआ, शाम में चुप रहना, घूमने जाने का टाइम होता, हम बोले कि ये बोला चलो चलो फुचका कौन सी खिलाएंगे, चाउमीन खिलाएंगे, खुश जाने के लिए रेडी था, सोचे बाबू को कुछ खिला देते हैं, एक खिला दे रहे इसको बोलते हैं खिला दो, हम बहुत बढ़िया से बनाए, क्या बनाए थे, कॉर्नफ्लेक्स, ये नहीं खाए, गुस्सा पटक उटक के हम चलते बनाए, अब गुस्सा करके हम सो गए, उसको झटक पटक के नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे किए, ढक ऐसे करती है, समझे, नहीं खाएगा, गुस्सा से बहुत रोया, उसको दुख लगता है, मारते तो नहीं लेकिन ऐसे हम करते हैं, करती है, तो हम बोले कि हम जितना दूर जाते हैं, देखिए इसको हम प्रॉपर बोले थे, कह रहे तेरा जस्ट आने से ये मतलब गाड़ी में ये आ रही थी उसी टाइम फोन किए थे, क्या खिचड़ी खाई थी तुम, फोन किए थे गाड़ी में, बस में थे, उससे पुआ बनाए थे गाइस, दोनों बार बेटा खा के सल्टा दिया था, उसको पता या नहीं हमको, पुआ डायरेक्टली बोलो कि पुआ भी खाया है, पेट भरा तुमको मतलब भूल गए कि पुआ भी बना के रखे हैं, बनाए थे हम, हाँ तो भूल जाते हैं, पुआ बनाए थे तो ये खाता है, बाबू भी खा लिया, हमको क्या पता उतना ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया का, हम भी बीच बीच में उसको भी देते हैं, मतलब अकेले खाएंगे, बैठल रहते हैं दोनों बाबू बेटा, तो अकेले खाएंगे, क्यों खाएंगे, देना है, लेकिन उसको मैदा का चीज जाता है, तो मैदा का चीज खाने से पेट ढब लगता है, अभी उठाए गाइस हम जाते हैं, रोटी या चाय खिला देते हैं, उसको भी रोटी लेके जाएंगे, लड्डू के पापा को भी, आज हम लोग जा रहे हैं स्कूल, आज मैडम का ड्यूटी पड़ गया है स्कूल में, एग्जाम है ना, एग्जाम मैट्रिक एग्जाम चल रहा है गाइस, तो वहीं पे तो जाते हैं लड्डू को लेके, छोटा छोटा लड़ाई होता है इसको, कुछ इससे मन नहीं करना, इसका पापा गुस्सा का गुस्सा से ही निकल के चलते बने थे, ओके ओके ओके, सब होता है पति पत्नी के बीच में, लड़ाई नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा, प्यार होगा तो फिर लड़ाई, प्यार नहीं होता है तो लड़ाई होता है, लड़ाई होगा तो फिर उसके बाद प्यार से बात होगा, ये सब जरूरी है, तकरार इकरार, समझा, कोई दिन थप्पड़ थप्पड़ भी होने लगेगी, सब्जी चढ़ा हुआ है, सब्जी सुनो थप्पड़ प्यार शादी हम लोग लव मैरिज हुआ है, जो बात है खुल्लम खुला, तो उस समय तो थप्पड़ थप्पड़ नहीं होता था,
उसको देखो दीदी उधर से झाँक रही सामने है, दीदी बनाती है खाना उसका किचन में, देखती है कि क्या करता है लोग इतना बकबक करता है। लव मैरिज की वजह से तो हम लोग इतना अच्छा एडजस्टमेंट एडजस्ट करते हैं, वो सब होता तो कोई लड़की का कोई चीज बर्दाश्त नहीं होता, और इसी कारण फैमिली वालों को भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों डिस्टर्ब करेंगे, वही तो बोल रहे हैं। देखो अरेंज मैरिज में होता है ना कि बता देता है अपना अपना घर, अपना अपना घर में बोलते रहेगा बार बार, क्यों कर दिया, यहाँ कर दिया, वैसे कर दिया, हमको मन नहीं था, ये सब करते रहेगा। हाँ, फिर लोग घर में बताएगा और तो ये सब क्यों होता है, हमको समझ में नहीं आता है। पति पत्नी के बीच में मुँह फूला फूला, अरे 10 दिन होगा वो लोग अपना ठीक होगा, वो लोग ठीक हो जाएगा। उन लोग देखे उन लोग लड़ाई में अगर फैमिली इन्वॉल्व होगा तो पक्का है कि और नौटंकी, और नौटंकी तो परिवार के बीच में झगड़ा होता है। पति पत्नी का होगा तो बाजार गया, चौमिन खिलाया, फुचका खिलाया, ठीक हो गया, रेस्टोरेंट ले गया, अरे ये लोग ठीक हो जाएगा। और घर वाला लोग का मुँह फूला फूली, समझन समझिन कौन सी होता है, लड़ाई झगड़ा कर लगा। ससुर तो उसका पापा लड़की का बोला मेरा बेटी को ऐसा किया, उन लोग का अलग लड़ाई होगा ना कि मेरा बेटी को तो तेरा बेटा ऐसे किया था, फलना किया था, ढकना किया था, उसके बाद लड़ाई चालू चालू। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, अपना टाइम हो गया है, कितना 8 बजे होगा ना। हाँ, 4 बजे अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी में तेल डलवा के आते हैं, तुम बाबू को खिला उला के रखो, है ना, टाइम हो ही गया, लमसम नहाने धोते। दाल नहीं बनाएंगे अब, फालतू फेंका जाता है, हम शाम में ही जो बनेगा बनेगा, डेली फेंका, तुम उसे खा लेना, रात का थोड़ा सब्जी है ना ग्रेवी वाला, 2 आलू दीदी को दे दिए, मुढ़ी और सब्जी बोले उसको, रात का आप खा लो। मिस्टर तुम खा लिया है ना, एप्रिकॉट 2 खाया, कल रात वाला है ना, इसके मुरिक सदीश को और खाइयो ली कसम से, एक से एक आदमी फिर बदमाशी नहीं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं, अब टाइम हो गया, लड्डू थोड़ा सा परेशान किया है, लेकिन चलिए बच्चा है तो इतना सा करता ही है। खाना पीना हम लोग खा लिए हैं सुबह सुबह, थोड़ा बहुत इसको भी खिला दिए, रोटी 1.5 रोटी रखा है ना, एक रोटी खाया, एक छोटा सा खाया, एकदम पतला पतला लोइया का रोटी खाया, वहाँ पे अंडा उंडा देखते हैं, गरम गरम मिला है, एप्रिकॉट खा लिया है गाइज, वो अपने से मांग के खाया, एप्रिकॉट वो ड्राई फ्रूट है, वो खरीद के हम शौक से लाए, खाएगा टेस्ट तो खाया है, खट्टा मीठा लगता है। इसको मंकी टोपी लगाते हैं, इसको थोड़ा झुकना रह रहा है, आज अपने से मांगा है, काजू खाता, लेकिन हमको उससे सेटिस्फेक्शन है, वो तो सूखा चीज है, सब गुण खत्म हो जाता, फिर भी खिलाना है, क्या तो चलिए बहुत दिन के बाद उधर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यू भी देखने को मिलेगा, हरियाली ही हरियाली, तो लेट्स गो। इतना सुंदर लग रहा है देखने में, ये गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं मदरसा हाई स्कूल, भोला गुड़िया जगह का नाम है, यहाँ से पेशेंट जाता था भोला गुड़िया, हम लिखते हैं जरूर भोला गुड़िया लेकिन नहीं जानते थे, आज आ भी गए, इतना दूर से पेशेंट जाता है गाइस, और हम लोग उसको 2 दवा दे के 2 पैरासीटामोल चाहे 4 देते हैं, इतना दूर से पैसा खर्च करके जाता है, और एनर्जी वेस्ट प्लस पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट होता है, वही सोचे कि इतना दूर हमको आना पड़ा तो हम किचकिच हो रहा था, हमको लग रहा था उन लोग को भी इसी तरह लगता होगा, वो लोग सोचिए हम बच्चा लेके आए थे, मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास सुविधा है, उन लोग के पास तो कोई सुविधा नहीं होता है, गाड़ी के लिए खड़ा रहो फिर जाओ, तो सोचने से ख़राब लगता है, सबको देना बेचारा चाय वाला बोलता है चाय। इतना हड़बड़ी में आया है कि कहना नहीं है, क्या है कि अचानक हम लोग थोड़ा दूर पहुँचे, मतलब खेत तरफ, पूरा खेती में खेत में धान उन रोपाई हो रहा है, गर्मी होना तो सोचे थोड़ा सा रुकेंगे, लेकिन फिर देखे घड़ी, अचानक नज़र इतना स्पीड में आया ना, अब पहुंच गए ठीक ही टाइम में, 9:30 बजे तक पहुंचना है, 1:10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, संधन नहीं थे आए, हम कहे चलो उधर से लौटते हैं तो हम व्यू अच्छा से रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, इधर खेती होता है गर्मी का, मतलब 12 मास खेत ये धान का खेती होता है, और चाय यही बिस्किट मिला है गाइस, बाबू को अलग से बिस्किट मिला है,
और ये हम लोग को मिला है बिना विदाउट शुगर, ठीक है। पूरा खुला खुला एरिया है, पूरा स्कूल अच्छा लग रहा है, दिखाओ पूरा साइलेंट है, एग्जाम चल रहा है, पूरा एकदम साइलेंट। स्कूल का ग्राउंड पीटी खत्म हो गया गाइज, हम लोग रोड में आए, फुचका खिलाया लड्डू के पापा, इतना खराब फुचका दिया था ना, इतनी सी आलू भरता है फुचका, इतना बड़ा फुचका का साइज ठीक था ना, लेकिन साइज फुचका का ठीक है, पानी इतनी से, अब बाबू को बहुत प्यार, चाय वही दिया था स्कूल में तो पहचान लिया था बाबू को, बाबू खेला, और लड्डू के पापा अपना काम से चले गए थे, फिर अभी आए तो हम लोग को लेते हुए आए, 5 मिनट भी रहे थे स्कूल में, 5-10 मिनट। हम लोग देखिए गाइज रास्ता वो सब बात छोड़िए अभी, और देखिए रास्ता में सरसों का खेत है, इतना सुंदर, दिखाओ पूरा व्यू दिखाओ इधर से, एक तरफ कम फूटा हुआ है सरसों का फूल, एक तरफ ज्यादा, पूरा ज्यादा नहीं पूरा, बाबू देखे कितना खुश हो रहा है, वो पहली बार गया है सरसों का ना, दादी घर में इसका है थोड़ा बहुत, घर में भी हम लोग को माँ छीट देती होगी तो हो जाता है। पीछे साइड पूरा धान का खेती हो रहा है, उधर का भी व्यू आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा देर में, तो थोड़ा सा यहाँ फोटो खिंचाते हैं, इन लोगों को फोटो खिंचाने का शौक चढ़ा है जानो। हाँ अभी इसका साग नहीं खाया जाएगा? नहीं, तो हम लोग आ गए इधर गुड़ लेने के लिए, रास्ता में रुके हैं यहाँ पे, ताजा गुड़, खजूर गुड़, हाँ हाँ खजूरे गुड़ बोल रहे हैं, देखो पेड़ दिखाओ, वो तो खजूर का दो कोदो करे, कोदो करे 150 टका, 100 टका हमको बोल छो, हाँ 100 टका बोल छो, 150 टका बोलते लो, दे दो। मैं इसको ये ना इसको भी टेस्ट कर, चलो आ बाबू इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं ना, इसको देख क्या हुआ, क्या गाड़ी से जब हम लोग उधर से आए लौटे तो सो गया, उधर से लौटे तो ये सो गया लड्डू, खाना उन्हें खा के हम लोग मतलब बैठे हुए थे, ये तो फ़ोन में अपनी बहन से बात कर रहे थे, उठा अभी खिचड़ी खिलाएं, तब का बाइक का चाबी पकड़ लिया, बार बार उसी में बोलता है कि थोड़ो मतलब चलाओ, घर में घर के अंदर, घर के अंदर तो धबधबाता है ऊपर में तो पूरा घर ही दलक जाता है, चालू करते हैं इसीलिए, नहीं कर हम ही बना किए इसको, दो दो बार किया ऐसा लग रहा है, जान गया मजा की तो बस, और अब उसी बाइक में पापा का बाइक में ले चलो, स्कूटी में नहीं, बाइक में आगे बैठ के चलेगा ठंडा के दिन में भी, इतना में ठीक है समझे, हम लोग ऐसे हो जाते हैं ज्यादा ऊंचा हो जा रहा है, बैठा आज कुछ ज्यादा ही थकान टाइप का लग रहा है सो जाएंगे, हाँ रे तो थकान उसी तरह, स्कूटी में लगता है हवा लगता है, हेलमेट पहनने से नहीं लगता, तुम बस में भी जाओ, तुम कहीं भी हिलाएगा गाइस, कहीं भी जाइए सफर करिए तो लगेगा, हमको उसी तरह से लग रहा है, पार्क भी जाना है, जाए कि नहीं जाए, पार्क जाएंगे, मेला भी लगा है कहीं पर, तो एक जगह मेला लगा है, देखे वो आज नहीं जाएंगे, अगला दिन जाएंगे, कल या परसों जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ का मेला, फर्स्ट टाइम होगा हम लोग के लिए, यहाँ सारा मेला ही फर्स्ट टाइम हो रहा है हम लोग का ये साल, अभी क्या मेला है पता नहीं, वो क्या मेला है पता नहीं, कल चले जाएंगे, कल कौन सा तारीख है, 7 छः तारीख, ये देखे खिचड़ी पड़ा हुआ है, नहीं खाएगा, कटोरी में इतना सा पड़ा हुआ है, नहीं खा रहा है, अपना खेलने में बिजी है, अब नहीं खिलाएंगे, अब शाम, अभी कितना बजा है उसे कहीं, गाड़ी में ऐसा थूर थार करने में अभी बिजी है, बाहर आता है सब, स्कूटी सब में लगाएगा, सब तरफ करेगा, यही सब, तेरा शक्ल ऐसे कहाँ दिख रहा है, मेरा भी दिख रहा है कैसे, हमको कैसे लगता होता नहीं, मेरा लगता ना स्किन में बहुत क्रीम का दरकार है, खपचाना है, क्रीम का दरकार है, तेरा स्किन लूज हो गया है, लूज नहीं हो गया है, वैसे दिखता, हवा लगता है मेरा ना बस, आज पूरा हवा लगा है, हम हेलमेट भी नहीं पहने थे,
तो जाते हैं एक बार, चलो पार्क जाते हैं। अभी तो खुलता है ये नहीं, तो जाएंगे 4:30 बजे खुलता है। तो बस तो गया, 4:30 हो गया। तो घड़ी देखो, चार देखे घड़ी देखो, लगा 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 तो कसम आफत है। एक तो गाड़ी निकालने में यहाँ ऊपर से, यहाँ इसका अलग है नौटंकी। आँख में इतना नींद भर रहा है, लग रहा सूत जाए, लेकिन क्या करें। तू तो बस में जाती है और बस में आती है, पूरा हवा है। और देखो जो रेगुलर जाता है उसके लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन अचानक जाने से ऐसा लगता है, समझ गए। देख ना छिपकली जैसा कैसे यहाँ लटकल है, उतरेगा एक मजाल है, उतरेगा अब गाड़ी से, देख रही है। हाँ कसम उलट गया ना तो दोनों बाप बेटा जताएंगे। उतरेगा नहीं, लेकिन लो ताला बंद कर, ताला बंद करो जल्दी। और तुम निकाल नहीं सकेगी, फील कुछ नहीं हुआ, फील इसलिए होता है, डर लगता है, बैठ के उतार रहे हैं इसको, बैठा के गिर उड़ जाएगा, इसीलिए इसको जानबूझ के इसे लटका के शरीर से अटैच करके गाड़ी को उतारे। हेलो रे, ये मेरा है, आज चिकन बना है और चावल। और हम लोग बाहर घूमने गए थे, क्या लाने गए, ओ पार्क गए थे ना, तो पार्क गए थे जानू और हम और बेबी। अब गए तो हम और बेबी अलग हो गए और इसका पापा अलग हो गया। ये चला गया चिकन खरीदने, ये चॉप हो गया, चॉप और कुछ लिया था, हमको याद नहीं है, तो वही लेकर के हम बोला हमको खाने का, मतलब चलो चलो चलो। गए तीनों मस्ती पार्क से आने के बाद, गए तो ठीक, लेकिन आए हम अकेले बाबू को लेकर। इसका पापा वहाँ वेट कर रहे हैं, हम अंडा के दुकान में अंडा खिलाते हुए, इसका पापा चिकन लेके उधर से फरार। हमको गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि अभी तक नहीं आ रहा। हम, मेरे पास पर्स भी नहीं था, पैसा तो था ही नहीं, पर्स ही नहीं था, पैसा कहाँ से रहेगा, पैसा नहीं लेके गए थे। लड्डू का पापा चला रहे, इतना किचाइन करके रख दिए वहाँ का आदमी। इसका पापा आ करके सब काम, चावल भी चढ़ा दिया था, चिकन भी बनाने के लिए रेडी। और बार बार बेचारा झांकता है क्योंकि बगल में बूढ़ा आदमी है, तबीयत उसका ख़राब है, तो उसको हम सोचे थे देखने जाएंगे, सोच रहा होगा वहीं गई है। इतना मतलब दिक्कत हो गया इसमें, क्या बोले, इसका पापा को भी गुस्सा आ रहा होगा कि कहाँ चली गई, इतना देर से नहीं आ रही। लेकिन हम तो थे, क्या बोले, अंडा के दुकान में बाबू को लेकर के, वो अंडा खा लिया, पैसा नहीं आ गया, और इससे हम झगड़ा होते 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 बच गए, क्योंकि सीधा रास्ता आया था और हम सोच रहे उल्टा रास्ता चला गया है, इधर चला गया है, हम लोग को छोड़ करके नहीं आ रहा। ऐसा बात हुआ था, छोड़िए वो सब बात। अब देखिए यहाँ चिकन बनाया है, लड्डू के पापा चिकन बनाए हैं, ये पराठा, ये बनाना था लच्छा पराठा, हम नहीं जानते हैं लच्छा पराठा बनाने, लेकिन बनाने से बन ही जाता। तो छोड़िए चावल बन गया, तो चावल और चिकन खा लेते हैं बस। आज का ये रात का खाना महक रहा है अच्छा, लेकिन अब खाने में लगेगा कैसा पता नहीं है, खा करके आप लोगों को बताते हैं टेस्ट करके कैसा है क्या है। लड्डू को खाना थोड़ा बहुत खिला दें, हम देखते हैं अभी खाता है तो ठीक है गाइस। और आज का दिन यूँ मिला जुला के ठीक ही रहा, और मिलते हैं आप लोगों से, खाना निकाल रहे हैं, खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट गाइस, मेरे और लड्डू के पापा की तरफ से, लड्डू की तरफ से भी, आप लोग नाइट हो गया, अपना भी खाना खाइए, इंजॉय करिए, और सुबह अच्छे मॉर्निंग के साथ मिलिए। बाय।